बीजेपी जनता से किए वादों को पूरा करने का काम कर रही है, ऐसा कहना है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का। दरअसल मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के कई सेक्टर्स को करीब 9 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्यों की आधारशिला रखकर बड़ी सौगात देने का काम किया। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर सेक्टर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की जनता मेरे लिए भगवान का रूप है, जो वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ग्रांट लेकर पूरा कराने का कार्य कर रही हैं। आज सेक्टर में कहीं पार्किंग की है, कहीं रोडों का है, कहीं डिवाइडिंग रोडों का, आज 9 करोड़ के आसपास की लागत से आज इनका मैंने उद्घाटन किया है। और बहुत लंबे समय से लोगों की पार्किंग की डिमांड थी, रोडों की डिमांड थी, डिवाइडिंग रोडों की डिमांड थी, और जो 63-64 का उसको स्मार्ट रोड बना रहे हैं, सुंदर रोड बना रहे हैं, जो अपना लेके जेवर एयरपोर्ट से टच करेगा वो सेक्टरों का सुंदर रोड होगा, संपन्न होगा। आज हमने इस रोड का भी उद्घाटन किया है, ये हमारा 3.5 करोड़ की लागत से पार्किंग है, वो भी 2 करोड़ की लागत से है। मैं कहूँगा आज 9 करोड़ के आसपास के करीब कीमत है, आज इनका उद्घाटन है और चुनाव से जल्दी आगे वाले चुनाव तक जल्दी पूरे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने बल्लभगढ़ की जनता की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया और कहा कि आज जिन सड़कों को आरएमसी से बनाए जाने के कार्य का शिलान्यास किया है, ये सभी सड़कें मॉडल तरीके से बनाई जाएंगी, जिससे सेक्टर्स की सुंदरता को चार चांद लगेगा। फरीदाबाद से सूरज समाचार के लिए दीपक गौतम की रिपोर्ट।